हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति। कीर्ति रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र टाइप आमटी। आमटी मीन्स कड़ी, जो हम लोग पूरन पोली के साथ खाते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आमटी बनाने के लिए हमें चाहिए, मीन्स कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए पूरन का पानी, जो पूरन बनाते समय एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, उसे फेंकना नहीं है, उसे हम कड़ी बनाते समय यूज कर सकते हैं। इमली का पल लिया है, हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच तेल, दो चम्मच शक्कर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता, राई, जीरा, लहसुन और जीरे की पेस्ट। गैस पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी हुई है। हमारी कढ़ी अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब हम डालेंगे तेल, दो बड़े चम्मच। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई एक चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। हरी मिर्च, हरी मिर्च हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे जो लहसुन और जीरे की पेस्ट बनाई हुई है, ये इसमें ऐड करना है। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद तुरंत हमें इसमें जो सार्प है उसमें डाल देंगे। ये कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी रहती है, खट्टी मिट्टी भी रहती है। इसमें इमली का पल और शक्कर ऐड करना है। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल। शक्कर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चेक करना है हमें कितना पतला और गाढ़ा चाहिए। कढ़ी हमेशा पतली ही होती है, इसे हमें एक उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। इस कढ़ी को बनाने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगती है, ये कढ़ी झटपट बन जाती है। इसे हमें पूरन पोली के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी रहती है। आप एक बार मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है कि कैसी बनी थी कढ़ी। देख सकते हैं हमारी कढ़ी को एक उबाल अच्छे से आ चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया। हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कढ़ी बनी है। अब हम इस कढ़ी को निकाल लेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है।